हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग आप देखें किसी ऐसे पर्सन के बारे में जिनसे आप दिल से जुड़े हुए थे, वो भी आपसे दिल से जुड़े हुए थे, बट जाने अनजाने में या किन्हीं रॉन्ग डिसीजंस की वजह से दोनों में डिफरेंस बन चुका है। लेट्स सी कि क्या उन पर्सन को एहसास है कि उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट खो दिया है, या जो गलती है क्या उसका एहसास उन्हें है। ये पर्सन आपके हस्बैंड, वाइफ, लवर, बिलवेड, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकते हैं। कनेक्शन आपका दिल से था और जाने अनजाने में कुछ ऐसा हो गया है कि आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो चुका है। लेट्स सी क्या इस बात का एहसास होने हैं। इसके लिए आप अपने पर्सन पर कॉन्सेंट्रेट करें, थिंक ऑफ देम, माइंड में रखें उन्हें। कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन पर, उनकी इमेज को अपने माइंड में लाएं। आप चाहते हैं अब भी कि एक मौका मिले और ये पर्सन फिर से अपने मिस्टेक्स को या रॉन्ग डिसीजंस को मॉडिफाई कर सकें, इम्प्रूव कर सकें और आप इनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकें। तो लेट्स सी कि क्या इस पर्सन को एहसास है। ऑलराइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है जब से भी आप दोनों में डिफरेंस हुआ है तब से ये पर्सन सोच तो रहे हैं आपके बारे में। यहाँ रिग्रेट वाली एनर्जीज तो कम हैं, बट जब से भी आप दोनों में डिफरेंस बना है ये पर्सन ऑफ कोर्स समझते हैं कि आपके साथ सब कुछ ठीक था और इस बारे में थ्री ऑफ कॉइंस, द मून, थोड़े सीक्रेटिव पर्सन हैं। इट मीन्स सेल्फ सेंट्रिक हैं और अपने किसी छोटे से बेनिफिट के लिए इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को पास्ट में एंड कर दिया है। आपसे अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो फिर इस पर्सन के रीसेंट पास्ट से मतलब है विद इन लास्ट 6 मंथ्स, कुछ ऐसा चल रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, डिसअपॉइंटेड हैं और पछतावा कर रहे हैं। एंड जब से भी आपसे डिफरेंस बना है तब से कंटिन्यूअसली आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इस वक्त जहाँ भी हैं कोई हैप्पीनेस नहीं है लाइफ में। ये एक छोटा सा फैमिली है जिसमें डार्कनेस है। इट मीन्स हैप्पीनेस की कमी है आपके पर्सन की लाइफ में। बढ़ तो रहे हैं किसी की ओर प्रैक्टिकली। ये इन पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड है जो बताता है कि ये जिस भी फैमिली में हैं जानते हैं कुछ कमी है, और प्रैक्टिकली जो इनके एक्शन हैं वो हैं 6 ऑफ वेंड्स। इट मीन्स ये बढ़ रहे हैं लाइफ में आगे। 2 मीनिंग हैं, विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है आपके पर्सन का रिलेशनशिप के अलावा कुछ और प्रायोरिटी है तो उस बात पर चल रहे हैं उसे अचीव करने के लिए। अदरवाइज आपको लगता है कि आपके बिना आपके पर्सन भी नहीं रह सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकली आपकी ओर बढ़ने का प्लान कर रहे हैं। वॉचफुल भी हैं आपको लेकर, गुड। सो इन सब के पीछे जो ऑब्स्टेकल है दैट इज द चैरियट एज एन ऑब्स्टेकल आए हैं। इस वजह से ये पर्सन जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इट मीन्स 7 है, मेजर अर्काना का कार्ड है, स्पिरिचुअल पाथ को शो करता है। आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और स्पिरिचुअल पाथ में क्लैरिटी बहुत जल्दी नहीं मिलती है। ब्लैक एंड वाइट दो तरह के पुलर्स हैं यहाँ पे, तो एक राह पकड़ना चाहते हैं बट फिलहाल समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी राह चूज करनी है। 7 है, केतु नेपच्यून को रिप्रेजेंट करता है, तो
लाइफ में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सा ट्रैक इनके लिए सही है। इन सम केसेस ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, कहीं और मैरिड हैं तो इस वजह से आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेना चाहते हैं, जब से भी गए हैं तब से आपके बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। पेज ऑफ शॉर्ट्स बताता है आप पर वॉच भी करते हैं, नज़र बनाए हुए हैं अपनी। इफ़ ऑलरेडी मैरिड विद यू, अगर आपसे ही मैरिड हैं तो इन दैट केस बस इस पर्सन को फिलहाल राह नहीं मिल रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, एज अ फाइनल आउटकम ये पर्सन जल्दी ही आपसे जो डिफरेंस है उसे खत्म करने का प्लान करना चाहते हैं, ये इनका डीप विश है। करंट स्टेटस भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और जो डीप विश है इस पर्सन का वो भी है टू ऑफ वेंड्स, दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो खत्म हो एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग इज राइट, सब कुछ ठीक है। द स्टार है बॉटम ऑफ द डेक में, जो बताता है इस पर्सन को एहसास है फुल्ली कि इन्होंने कुछ बड़ा खोया है लाइफ में। ऑफ कोर्स दिस पर्सन विल श्योरली टेक सम एक्शन। द सन है 1 से लेकर के 19 मंथ्स तक के टाइम को इंडिकेट करता है। आप दोनों में डिफरेंस बने हुए जितना टाइम पीरियड हो चुका है वो आप देख सकते हैं, बट 1 ईयर से लेकर 19 मंथ्स के अंदर विद इन ये एक डिस्टर्बेंस था जिसे आना था, बट एवरीथिंग विल बी फाइन वेरी सून, सब कुछ जल्दी ही ठीक होने वाला है। पेज ऑफ कप्स अब सोचते हैं कि आपको फिर से इमोशनली ऑफर किया जा सके। एस ऑफ पेंटिकल्स नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, बिकॉज जहां हैं वहां डार्कनेस है और इस डार्कनेस को ये रिमूव करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स इनकी पर्सनैलिटी है, थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं, अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं करते हैं, जजमेंट एट लास्ट करना चाहते हैं आपके साथ। जजमेंट का मीनिंग है इस पर्सन को एहसास है कि इन्होंने कोई मिस्टेक की है और उसे इम्प्रूव करने के लिए ये एक्शन भी लेंगे, ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं, इस वक्त आपकी और ही अट्रैक्टेड हैं, आप पर वॉचफुल हैं। समवेयर एल्स मैरिड होने के केस में जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट आपसे ही ऑलरेडी मैरिड हैं तो फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको इनकी ओर से सब कुछ इम्प्रूव्ड होता हुआ नज़र आएगा और आपके साथ रिकंसिलिएशन भी जल्दी ही करेंगे। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पर्सन, लेट्स सी कि रिकंसिलिएशन को लेकर या रीयूनियन को लेकर इस पर्सन की एनर्जीज क्या होती हैं, क्या ये भी रिकंसिलिएशन या रीयूनियन के बारे में सोचते हैं। रीडिंग से पता लगा है ऑफ कोर्स सोचते हैं। द थिंकिंग वुमेन, नाइस, सोचते हैं। मैन होल्डिंग अ हर्ड, और सोचते हैं एक बड़े कमिटमेंट को लेकर के। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स महसूस करते हैं आपसे, हैप्पी फैमिली का विजन भी है आपके साथ। एवरीथिंग इज ऑल गुड, सब कुछ ठीक है, बस जो ऑब्स्टेकल आया है दैट इज द चैरियट, नंबर 7 है, लाइफ पाथ को बताता है। स्पिरिचुअल लाइफ पाथ आपका या आपके पर्सन का हो सकता है और इस पाथ में बड़े डिस्टर्बेंस भी आते हैं। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस। एंजल्स गाइडेंस आपके लिए होता है जो प्रेजेंट हैं, जो पर्सन एब्सेंट है उनके लिए नहीं, बट इस गाइडेंस को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। परफेक्ट टाइमिंग, वेरी नाइस, कम्युनिकेट क्लियरली, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंजल्स काफ़ी दिनों से लगातार मैसेज दे रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग का मीनिंग भी यही है, अगर पाथ स्पिरिचुअल है तो परफेक्ट टाइमिंग आने में इट टेक्स टाइम, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकें इसके लिए बड़े डिस्टर्बेंस का मीनवाइल आना ज़रूरी भी होता है। सो यू नीड नॉट वरी, आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है और अपनी लाइफ में आप जो कर रहे हैं उस पर कंटिन्यूसली आगे बढ़ें, आपके पर्सन में इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है। थिंकिंग भी इनकी आपको लेकर के अब
पॉजिटिव हो रही है एंड बाय पॉजिटिव ही हो रही है। आप देखेंगे ये आप पर वॉच कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, मैरिटल स्टेटस डिफरेंट होने की वजह से शायद नहीं ले पा रहे हैं, दूरियां मिटाना चाहते हैं और आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं ब्राइट। हैप्पी फैमिली है आपके साथ। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेल यू सॉरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पर्सन। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, इंपॉर्टेंटली कैंसर भी हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं। इस पर्सन के ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर 16395 हो सकते हैं, 7 भी हो सकता है। नेम इनिशियल्स इस पर्सन के AIJQY हो सकते हैं, CGLS, UVW, OZ, समथिंग लाइक दैट। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।